सुमित जी हैं हमारे साथ। सर हमेशा से हम ये फॉलोअप करते आ रहे हैं कि महागुण ये काम करेगा, महागुण वो काम करेगा, महागुण सब आजकल में करता आया, काम कुछ नहीं हो रहा है। विंग 9 का बोला गया था कि जून तक स्ट्रक्चर पूरा कम्प्लीट हो जाएगा, अभी 30% काम नहीं हुआ। पिछले 3 सालों में इन्होंने सिर्फ 3 फ्लोर बनाए हैं, 16 फ्लोर में टावर अटका हुआ है। हम जब रोज जाते हैं तो लेबर भी नहीं मिलती है हमें। कंस्ट्रक्शन हेड साफ साफ बोल रहे हैं कि 30% लेबर काम कर रही है, जब तक 100 से ऊपर लेबर फेज 3 में काम नहीं, विंग 9 में काम नहीं करेगी, वो स्ट्रक्चर हम कंप्लीट नहीं कर सकते। उसके अलावा विंग 8 का भी आप काम देखेंगे तो बहुत स्लो है, हर चीज रुक रुक के चल रही है। बोलने के बाद काम होता है, जिस दिन बोलो उस दिन काम होता है, उसके अगले दिन काम नहीं होता। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम डायरेक्टली अमित जैन से मिलेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे, उनका अपडेट लेंगे कि उनका क्या प्लान है, क्योंकि हर बार वो फेक कमिटमेंट देते हैं और हर बार वो फेक कमिटमेंट्स कभी पूरे नहीं होते। उनके कमिटमेंट्स की भी वैल्यू, उनके खुद के एम्प्लॉयज, उनके खुद के वर्कर्स उनकी कमिटमेंट की वैल्यू नहीं करते। उन्होंने कहा था फरवरी में मैं यूपीपीसी का काम कराऊंगा, यूपीपीसी का काम स्टार्ट होने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा था 31 दिसंबर को लिफ्ट का शाफ्ट हैंड ओवर हो जाएगा। अभी आप कंस्ट्रक्शन हेड से बात करेंगे तो वो कहते हैं कि फरवरी तक जाएगा, क्योंकि अभी बेसमेंट 2 में जाने के लिए रैंप भी रेडी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो बहुत समय से पेंडिंग चल रहे हैं, उन सबका अपडेट लेने के लिए आज हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए। सुमित जी आप बताएंगे कि पहले आप कहां पर ये आंदोलन करते थे, आज मुख्यालय में क्या पहली बार आए हैं? हाँ सर, आज हमने पहली बार हमने हेड ऑफिस को डिसाइड किया है, क्योंकि हम चाहते थे कि हम डायरेक्टली अमित सर से मिलें, क्योंकि साइट पे जो डिस्कशन होता है उसके अकॉर्डिंग कभी फ्रूटफुल नहीं होता। तो इसलिए आज हमने पहली बार हेड ऑफिस को चुना है ताकि हम आज डायरेक्टली अमित जैन से मिल सकें। आप बताएंगे कि आज आपके बीच कुछ मीडिया वाले भी देखे गए हैं, आपके आंदोलन का क्या प्रारूप कुछ बदलने वाला है या आपने सोचा है इसको आगे बढ़ाने के बारे में? हमने कभी भी किसी भी चीज को आंदोलन की तरीके से नहीं लिया, हमने सिर्फ और सिर्फ फॉलोअप और अपडेट की बातें की उनसे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम पीसफुल तरीके से आके उनसे अपडेट ले, वो हमें अपडेट दे, वो काम करा दे, हमें भी उनसे लड़ाई झगड़ा करने का कोई हमारा मोटिव नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपडेट चाहते हैं, हमारा घर टाइम पे चाहते हैं, हमारा कोई आंदोलन करने का, किसी को कुछ बोलने का या किसी को हर्ट करने का कोई ऐसा कोई वो हमारा एजेंडा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपडेट चाहते हैं, प्रॉपर समय पे काम चाहते हैं और अच्छी तरह से काम हो, बस ये चाहते हैं जी। अभी जून में आप बता रहे हैं कि जून की पोजीशन की डेट बिल्डर ने दी है, तो आपको अभी जनवरी है, अभी से क्यों लगने लगा है कि आपको जून में नहीं मिलेगा? सर काम का जिस हेड्स पे हमें बोला गया था कि हम फॉलोअप करें, या जो ओसी अप्लाई करने के लिए जो 3 हेड्स होते हैं, फायर फाइटिंग है और यूपीवीसी का काम है और लिफ्ट इंस्टॉलेशन है, तो लिफ्ट इंस्टॉलेशन की लिफ्ट तो ऑर्डर का हमारे पास कंफर्मेशन आ गया है, लेकिन अभी ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि लिफ्ट का शाफ्ट कब रेडी होगा। लिफ्ट का शाफ्ट के लिए जब हम कंस्ट्रक्शन हेड से बात करते हैं तो वो हमें कह रहे हैं कि वो इतना क्रिटिकल नहीं है, जब लिफ्ट आएगी तब तक मैं कंप्लीट करा दूंगा। उसके अलावा यूपीवीसी का काम एक बहुत जरूरी काम है, तो अमित सर ने कहा था कि फरवरी से काम स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी में 200 फ्लैट में यूपीवीसी का काम कंप्लीट हो जाएगा।